दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, खैरियत से है, गुड। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं, एक इस तरह का प्रॉब्लम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिस प्रॉब्लम से आप लोग और आप लोगों के घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग सदियों से जूझ रहे हैं, उस तकलीफ़ में बहुत दिनों से है और उस तकलीफ़ के लिए बहुत सारे मेडिकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, थेरापी ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब जितना हो सके उतना कर रहे हैं, लेकिन उस तकलीफ से आज तक छुटकारा नहीं पाए हैं, नहीं पा रहे हैं और भुगत रहे हैं अभी भी। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या है वो प्रॉब्लम, उसका सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है उस प्रॉब्लम का, और उस प्रॉब्लम का हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, घर में हम आसानी से कैसे उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, ये इन तक ज़रूर देखिए ये वीडियो, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो वीडियो देते हैं वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अंजन प्रतिम दास आप सबको आपका ही अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजन्स हेल्थ टॉक में स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जी हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़, कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है हम सबके घर में, हम सबके हर घर में किसी ना किसी लोग, कोई ना कोई लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इस प्रॉब्लम में भुगत रहे हैं सदियों से, लेकिन कुछ हल नहीं इसका। जितना हो सके दवाई खा रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आप लोग जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से। आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम, कारण और ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, चलिए जानते हैं। हमारे बोन्स, जब दो बोन्स या दो हड्डी किसी जगह में जुड़ता है उसको जॉइंट बोलते हैं। जिस जगह पर दो बोन, दो हड्डी इस तरह से जुड़ता है उसको जॉइंट बोलते हैं, जैसे नी जॉइंट, घुटनों की जॉइंट या एंकल जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, दो हड्डी जुड़ता है, यहाँ पे इस जगह पे दो हड्डी आके जुड़ गया तो इसको हम जॉइंट बोलेंगे। और ये जॉइंट कार्टिलेज नाम का एक टिश्यू से कवर रहता है, घिरा हुआ रहता है, ताकि जब हम इस जॉइंट को घुमाएं तो हमें तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, और अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिले, हम फ्लेक्सिबल तरह से, अच्छी तरह से, स्मूथली हम जॉइंट को घुमा पाए, इसके लिए ये जॉइंट कार्टिलेज नाम का एक टिश्यू से कवर्ड रहता है और ये कार्टिलेज जॉइंट को पकड़ते रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये कार्टिलेज, जिस कार्टिलेज से हमारा जॉइंट ढका हुआ है, कवर्ड है, और जिसके वजह से हम अच्छी तरह से अपना जॉइंट घुमा पाते हैं, दो हड्डी को घुमा पाते हैं, अगर किसी वजह से वो कार्टिलेज टूट जाता है या ब्रेक डाउन होता है, तब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम का ये प्रॉब्लम में भुगतते हैं और ये प्रॉब्लम हमको आता है। क्योंकि अगर वहाँ पे जिस जगह पे कार्टिलेज रहता है, जो कार्टिलेज से बोन कवर्ड रहता है, जॉइंट कवर्ड रहता है, अगर कार्टिलेज नहीं रहेगा उसमें, तो जब हम बोन को घुमाएंगे इस प्रकार से, तब क्या होगा, ये दोनों बोन, दोनों हड्डी आपस में घिसेगा। कार्टिलेज रहने से ये घिसता नहीं है, ये ग्रीस का काम करता है, या हमारे दौर में जो हिंग्स रहते हैं या हम जिसको कब्जा बोलते हैं, तो उस तरह से अगर हमारे दौर में कब्जा नहीं रहेंगे तो हम दौर घुमा नहीं पाएंगे। उसी तरह से अगर हड्डी के जॉइंट्स में कार्टिलेज नहीं रहेगा तो हम स्मूथली हड्डी को नहीं घुमा पाएंगे, फिर क्या होगा, हमको दर्द होगा बहुत, और दर्द होने से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे। और यही वजह है कि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, यही है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब हमारे जॉइंट के जो कवर्स है, कार्टिलेज है, किसी वजह से अगर ये कार्टिलेज टूट जाता है, तब हम अपने जॉइंट्स को फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते और उसके वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डी आपस में खिसने की वजह से, तो उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस बुज़ुर्गों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो लोग 50 या 60 एज के ओवर एवव हुए हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन आजकल हमारे इतना स्ट्रेस,
फुल लाइफ है जहाँ पे हमको किसी भी एज ग्रुप में ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल दिखाई देता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भारत में लगभग 22-39% लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में आज के डेट में भुगत रहा है। तो सोचिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कितना एक कॉमन प्रॉब्लम होता हो रहा है धीरे धीरे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत तकलीफदायक ये प्रॉब्लम है, तो इससे हमको बचना चाहिए। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हालांकि उम्र जब हमारा बढ़ता है तब धीरे धीरे जॉइंट डैमेज होता है, कार्टिलेज डैमेज होता है, तब हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। लेकिन कभी किसी को कम उम्र में भी ये जॉइंट डैमेज होने की हमको नज़र आता है, दिखता है कि कम उम्र में भी किसी का जॉइंट डैमेज होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भुगतता है। लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो उम्र है, उम्र बढ़ने की वजह से हमारा जॉइंट डैमेज होता है और हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में भुगतते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसा है कुछ कारण जिसके वजह से हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। पहला टॉर्न कार्टिलेज, टॉर्न कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज डैमेज होना। अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमारे जॉइंट को घुमाएंगे या ये जॉइंट हमारा इस तरह से घूमता है लेकिन हम जोर करके उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है वो टूट जाता है, फ्रैक्चर होता है, वो कार्टिलेज का डैमेज होता है कार्टिलेज, तब भी हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसको हम टॉर्न कार्टिलेज बोलते हैं। फिर डिसलोकेटेड जॉइंट, अगर किसी वजह से हमारा जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो जाता है तब भी हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम आता है। डिसलोकेटेड जॉइंट कब होता है? किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई स्पोर्ट्स इंजुरी एक्सेट्रा की वजह से हमको डिसलोकेटेड जॉइंट का प्रॉब्लम आता है और जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस बाद में होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर हम बोल सकते हैं लिगामेंट इंजुरी, लिगामेंट हमारा जो बोन होता है जॉइंट्स होता है उसको लिगामेंट ही पकड़ के रखता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये लिगामेंट में इंजुरी आए तब भी हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है बाद में। स्पोर्ट्समैन जो ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन को ये लिगामेंट इंजुरी होता है और वो लोग जब बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस में भुगतते हैं तो उसका कारण ये लिगामेंट इंजुरी ही होता है। लिगामेंट इंजुरी की वजह से भी हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकती है। इसके साथ जेनेटिक कारण भी है कुछ। अगर आपके माता पिता या आपके पूर्व पुरुष अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में भुगते थे, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस थे, तो आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है, कॉजेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसके वजह से हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली क्या है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्या है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है हम लोगों की घरों में, हर कोई ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भुगत रहा है। किसी को घुटने में दर्द है, किसी को एंकल जॉइंट में दर्द है, हर किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉइंट में पेन है ही। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसका कारण। तो इस वीडियो में हमने जो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश की है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, हम आशा करते हैं आप लोगों को वो नॉलेज मिली है, आप लोगों को जानकारी मिली है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली क्या है। इसके पिछले जो इसके अगले जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टोम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम बच सकते हैं आसानी से ऑस्टियोआर्थराइटिस से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के बीच में, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो भी इस तरह का वीडियो दे आपको पहले मिले, आप पहले उस वीडियो को देख सके और आप लाभवान हो सके, उस वीडियो से आपको लाभ मिले, लाभ उठा पाए आप उस वीडियो से और हर वो बीमारी से आप बच पाए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ, परसों चलते हैं, नमस्ते।